बॉलीवुड के फेमस एक्टर सदाशिव अमरापुरकार का निधन हो गया। फैंस इनके यूं चले जाने पर बेहद उदास हैं। हेलो एवरीवन, बायोग्राफीज के में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड के ऐसे अदाकार जिन्होंने सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरी। इनका जन्म 11 मई 1950 को हुआ। जगह का नाम था अमरापुरकार। सदाशिव जी ने स्कूल के दिनों में ही एक्टिंग शुरू कर दी। इन्होंने हिस्ट्री में मास्टर किया था। धीरे धीरे ये मराठी सिनेमा का हिस्सा बन गए। आगे जाकर ना सिर्फ इन्होंने एक्टिंग की बल्कि 50 नाटक डायरेक्ट भी किए। फिर इन्होंने एक फिल्म में काम किया। सदाशिव जी ने फिल्मों में काम करके बहुत से अवार्ड्स भी अपने नाम किए। इन्होंने फिल्म अर्धसत्या में काम किया जो कि साल 1983 में रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इन्होंने तकरीबन 300 फिल्मों में काम किया। सदाशिव जी ने हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल और गुजराती फिल्मों में काम किया है। 80 के दशक में इन्होंने मराठी के स्टेज पर भी काम किया। इस नाटक में इनकी परफॉर्मेंस गोविंद नहलानी ने देखी। इन्हें सदाशिव जी की डायलॉग डिलीवरी और कॉमेडी बेहद पसंद आई। चाहे विलन रोल हो या फिर कॉमेडी, इन्होंने हर मूवी में शानदार परफॉर्मेंस दी। फिल्म आँखें को हम सब कैसे भूल सकते हैं, जिसमें कादर खान के साथ इनकी केमिस्ट्री खूब जमी और इनकी जोड़ी को फैंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। सदाशिव जी ने हर तरह की फिल्मों में काम किया, चाहे वो फिल्में हॉरर मूवीज़ हों जैसे कि पुराना मंदिर, या फिर कॉमेडी जैसे कि इश्क। आगे चलकर ये अमिताभ जी के साथ फिल्म आखिरी रास्ता में भी नजर आए। धर्मेंद्र जी के साथ इन्होंने फिल्म हुकूमत में काम किया। इसके अलावा मोहरे, खतरों के खिलाड़ी, ईश्वर, एलाने जंग, फरिश्ते, नाकाबंदी, बेगुना, इनकी फिल्मों की जैसे लाइन ही लग गई और इनकी सभी फिल्में सुपरहिट रहीं। 90 की दहाई में इन्होंने फिल्में की जैसे आंटी नंबर 1, कुली नंबर 1, गुप्त, आंखें, इश्क, हम साथ साथ हैं और आगे चलकर टार्जन। इनकी फिल्मों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है। इन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसमें ये विदा रहमान के साथ नजर आए। फिल्म का नाम था स्वयं। फिल्म सड़क में इन्होंने महारानी का किरदार निभाया था और उस किरदार ने सब पर बड़ा गहरा असर छोड़ा। एक ऐसा विलन, एक ऐसी भूमिका जिसने सबको हैरान कर दिया। सभी लोग ये सोचकर हैरान थे कि आखिर कैसे कोई एक्टर इस तरह का किरदार बखूबी निभा सकता है। इस फिल्म ने सदाशिव जी को बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया। आपको बता दें कि ये फिल्मों तक ही नहीं रहे बल्कि सोशल वर्क में भी इन्होंने अपना हाथ आजमाया। फिर वो दुखद खरी सामने आई कि 64 साल की उम्र में सदाशिव अमरापुरकार जैसे टैलेंटेड एक्टर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तारीख थी 3 नवंबर साल 2014। एक हुनरमंद कलाकार जिसके चले जाने से बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ और इनका ये खला आज तक पूरा नहीं हो पाया। तो दोस्तों, आपको सदाशिव अमरापुरकार कैसे लगते थे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद इस तरह की अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल बायोग्राफीज केव को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो देखते रहिए बायोग्राफीज केव।